फर्स्ट चैप्टर क्या है? अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर पार्टनर और फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। फर्म। ओके, दैट इज योर बेसिक फंडामेंटल। हाँ यस। अच्छा, फटाफट जल्दी से बताओ, व्हाट इज पार्टनरशिप? याद है कुछ? क्योंकि तुम पढ़ चुके हो इतना। पार्टनर हाँ बोलो। दो लोगों के बीच में, मिनिमम दो लोगों के बीच में एक वो होता है ना, बिजनेस स्टार्ट या फिर समथिंग लाइक दैट। देन टू और मोर देन टू पर्सन आर एग्री टू डू अ लीगल बिजनेस अंडर अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा बिल्कुल। लोग कोई लीगल बिजनेस हाँ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज पार्टनरशिप। ठीक है ना? मैं आपको ठीक थ्योरी है। नहीं पढ़ाऊं, मैं थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? कि थ्योरी पढ़नी है नहीं, आप हमें प्रैक्टिकल बताएं। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल को बताता हूँ। तो आपका प्रैक्टिकल पार्ट में जब आप जाओगे, तो अभी आप जो है आपके एग्जाम में क्या आए थे? मैक्सिमम एग्जाम्पल आए थे कि एक्सरसाइज आई थी, ये बताओ। मैक्सिमम एग्जांपल एक्सरसाइज मींस बुक के अंदर, तो वो तो सर अपने आप सब आए थे ना। मैं तो कभी कभी ये एनालिसिस नहीं किया कि एग्जाम्पल से ज्यादा आता है कि एक्सरसाइज से ज्यादा आता है। नहीं यही चीज तो होती है। चलो अब मैं पहले तुमको बेसिक्स पे आता हूँ कि तुम्हारे जो बुक में जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है ना, उसमें इस चैप्टर में क्या हाँ क्या आता है। इस चैप्टर में एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, होता है ठीक। हाँ एक होता है कैपिटल अकाउंट, होता है हाँ कि ना? हाँ अब देखो ध्यान से, हाँ आप जब भी बिजनेस में पार्टनरशिप पे बात करोगे ना, तो उसमें अकाउंट्स बनाने के दो फंडे हैं। पहला मेथड होता है मेथड्स में, फर्स्ट मेथड होता है फिक्स्ड मेथड, होता है पढ़ा था। हाँ दूसरा होता है फ्लैक्चुएटिंग मेथड, होता है पढ़ाया था सर ने, बोलिए। हाँ नहीं मेरे को याद नहीं। फ्लैक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। अब ये फिक्स मेथड और फ्लैक्चुएटिंग मेथड क्या है? इसके बीच में एक शब्द होता है जिसको जिससे वो पूरा मेथड क्लियर होता है, वो होता है कैपिटल, यानी फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब जिसमें कैपिटल चेंज नहीं होगी, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल जिसमें कैपिटल चेंज हो जाएगी एक साल के बाद, ठीक है ना? अब अच्छा फिक्स मेथड में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, फिक्स मेथड में। और एक बनाते हैं करंट अकाउंट, और एक बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग। जब आप बात करते हो किस मेथड की? सेकंड मेथड की, फ्लैक्चुएटिंग की। फ्लैक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें जो है आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ये जो आपका कैपिटल है ना, यहां पर केवल कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट नहीं बनेगा, और बन जाएगी बैलेंस शीट, हाँ ठीक। अब इन तीनों का, अब इनका अपन को प्रोफार्मा पता होना चाहिए। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा तुमको मालूम है? नहीं नहीं ज्यादा नहीं मालूम। ज्यादा नहीं मालूम, मतलब मन लगा के तुमने पढ़ाई की है स्कूल में। चलो फटाफट अपन बढ़ते हैं आगे। कल से 6 बजे आ जाना, नहीं तो मेरा दूसरा बैच रहता है 7:30 बजे ना, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ ठीक है। वो एग्जाम में तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को आता है। एग्जाम में केवल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आता है?
अरे नहीं, मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने को आता है, और फिर इस बार के एग्जाम में आया था। हाँ इसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है ना, कोई नई चीज नहीं है। अब इसमें इसमें आइटम क्या क्या होते हैं पहले ध्यान से समझो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहला आइटम जो कि होगा किसका, एक एक्स पर्सन है मान लो, कोई एक्स पार्टनर, ठीक है, हाँ कोई वाई पार्टनर है, हाँ कोई जेड पार्टनर है, तो तीनों का हाँ रहेगा, ठीक है। इसमें और क्या रहता है, टू सैलरी, इस सैलरी भी किसकी होगी, पार्टनर्स की। पार्टनर्स की, वेरी गुड, अच्छा प्रातु, पढ़ लें दोस्त को, पढ़ लें दोस्त की भी इच्छा हो रही है। अरे अभी वो 10th पास आउट किया है। अच्छा अच्छा चलो, और होता है क्या, टू कमीशन, कमीशन, या आप इसमें लिख सकते हो ब्रोकरेज। ओके। अच्छा वैसे ब्रोकरेज मिलता नहीं है ध्यान देना, ठीक है ना, कमीशन ही मिलता। कमीशन ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और इसमें आता है ओके इसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग किस में बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो। हम इसको क्या करेंगे, रेशियो में बांट बांट देंगे, देंगे। चलेगा। अब इस तरफ क्या हाँ आता है, इस तरफ दो ही आइटम आते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्राइंग और वो भी किसकी होगी, पार्टनर्स की लेकिन इसके पहले यहां पे एक चीज और होगी, वो होगी क्या क्या, होगी, वो रहता है हमारा बाय। पुराना प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, या कई लोग इसको क्या लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, कई बार लोग इसको नेट हाँ प्रॉफिट भी लिख देते हैं। यहाँ एक आइटम कभी कभी बढ़ जाता है, जो कि क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, 2 मिनट, मैक्सिमम मिलेगा नहीं, लेकिन लिख देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर वो भी एक्स और एक्स वाई जेड का है तो, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट, ठीक है ना। अब जैसे तुम बता रही हो एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस ही ज्यादातर आता है, बट ये इस चैप्टर में अपन को कैपिटल को भी थोड़ा सा पढ़ लेना है, ताकि याद रहे कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है, ठीक है ना, ताकि हाँ अगले चैप्टर में वो हेल्प करेगा, ठीक है। कैपिटल वाला क्वेश्चन, सिस्टर वाले, ड्राइंग वाले। हाँ तो अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होगा, देखो ऊपर क्या पढ़ा था तुमने, कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में बनेगा, पढ़ा था, हाँ दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस इसी तरह से बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा, चाहे फिक्स मेथड से बनाओ चाहे फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाओ, करेक्ट। अब करेक्ट। बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। ये तुम्हारा है कैपिटल अकाउंट, अब उसके प्रोफार्मे की बात करते हैं। ऐसा कुछ मैं अगर पढ़ा रहा हूं जो तुमसे बनता है तो मुझे टोक देना, ताकि मैं वहां पे टाइम बर्बाद ना करूं, है ना। हाँ ये तुम्हारा बन गया प्रोफार्मा ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही कुछ रहता है, याद आया। ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन कौन से आइटम होते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पर जो ये प्रॉफिट एंड लॉस आया है ना, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है, तो ये जो इस तरफ आता है वो क्या कहलाता है, वो होता है प्रॉफिट, अच्छा ठीक है ना, और जो उस तरफ आएगा अगर, तो वो क्या कहलाएगा, लॉस। इस तरफ जो आएगा वो लॉस कहलाएगा। तो ये दोनों जो है ना, ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला इधर आ जाता है, यानी क्रॉस फिर से होता है ना, बता। क्रॉस होता है ना ऐसे, हाँ
तो जैसे ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इधर है वाला तो हाँ लेफ्ट साइड आ जाएगा। इधर आ जाएगा, ठीक। और ये अगर इधर आएगा तो किधर चला जाएगा? इधर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। हमेशा एक चीज याद रखो बेटा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब कोई चीज जाएगी तो उसका साइड चेंज हो जाएगा, ओके सीधा सीधा फंडा है, ठीक है। तो यहां पर दो नए नाम आते हैं, वो समझने वाली बात है। एक आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये कैपिटल। ये कैपिटल तुमको लिखना नहीं है एग्जाम में, अच्छा बस बाय बैलेंस वॉट डाउन। हाँ, क्योंकि ये याद रखने के लिए कि यहाँ पे हमको लिखनी क्या है, ठीक है। और यहाँ एक वर्ड आता है जो आपको याद रखना है, वो है बाय ड्रॉइंग, ये लिखा जाएगा, सॉरी टू ड्रॉइंग, ठीक है। इतना 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 समझ में आया जो याद रख सकती हो इतना? हाँ चलो अब देखो इसको बनाना कितना आसान है। तुमको सिर्फ मालूम है क्या है, दाया का बाया, बाया का दाया करना है। इधर पहला नाम क्या लिखा था? लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बस इसको उठा के यहां पटक दो। अच्छा जो जो एक्स और वाई जेड की अमाउंट है। हाँ, अब यहां पे हमने क्या किया, लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स वाला एक्स में, वाई वाला वाई में, जेड वाला जेड जेड में में। अब दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? हाँ, टू सैलरी तो इधर का कहाँ चला जाएगा? हाँ, कैपिटल के साइड क्रेडिट बस लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करते जाओ। और क्या लिखा था नाम? कमीशन। बाय कमीशन, कमीशन कमीशन ब्रोकरेज, जो भी लिखा होगा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और और क्या नाम लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आता है तो वो लिखेंगे हाँ, और लास्ट ऑप्शन बाय, जो प्रॉफिट है। हाँ, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है? प्रॉफिट है ना। हाँ अब उस तरफ क्या क्या आइटम थे? इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। ऑन ड्रॉइंग था और प्रॉफिट एंड लॉस। कभी बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता, ध्यान रखना है। बाय हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और क्या था, टू प्रॉफिट एंड हाँ लॉस में से लॉस। देखो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ एक होगा, दोनों नहीं हो सकते, है ना। अब हाँ देखो, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इनका टोटल करते हैं। एक्स का मैं यहां पे जेड लिख देता हूं और यहां पे एक्स लिख देता हूं। जैसे एक्स है, अब एक्स का टोटल करेंगे इधर का, ठीक है, और इधर का भी एक्स का टोटल करेंगे और दोनों को माइनस अच्छा करेंगे, अच्छा ठीक है ना। सिंपल है, हाँ डेबिट का भी टोटल करो, क्रेडिट का भी टोटल करो और माइनस कर दो, हाँ ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो तुम्हारा यहां का जो टोटल आया वो आया 10,000, 10,000 एक्स का एक्स का, हाँ और इस तरफ का जो टोटल आया वो आया 6,000। व्हाट इज द डिफरेंस? 10 में 6 गए तो कितना होगा? 10 में 6, 4,000। 4,000। 4,000। तो गरीब कौन है, डीआर वाला गरीब है कि सीआर वाला गरीब है? गरीब तो 4,000 डीआर। वाला। 4,000 तो आ रहा है। हाँ नहीं, तो 4,000 रुपए कम किसके पास है, डीआर के पास कि सीआर के पास? ये डीआर होता है और ये कौन गरीब है? डीआर तो जो गरीब होता है उसकी मदद करते हैं अपन लोग, कॉमर्स वाले अच्छे लोग हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन और यहाँ लिख देंगे 4,000। बात समझ में आई? तो दोनों तरफ का टोटल क्या हो जाएगा भाई, 4,000 यहाँ का टोटल था कितना और यहाँ कितना था? 10। तो यहाँ 10 था और यहाँ 6 था,
इसको 4,000 दे दिए तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हाँ बात पल्ले पड़ी, थोड़ी सी दिमाग में गई। चलो हाँ एक चीज और अच्छा समझो, मान लो इधर का टोटल है 12,000 और इसका टोटल है मान लो 6,000। अब गरीब कौन है? अब तो गरीब क्रेडिट अब साइड होगा। हाँ, तो फिर यहां पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट डॉक्टर कितना लिख देंगे? कितना गरीब है ये? 12 में 6 गए 6,000। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही दिमाग में। हाँ ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है? क्या पॉइंट? ये है आपका कैपिटल, लॉस। ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? कैपिटल अच्छा कैपिटल अकाउंट। हाँ क्यों अकाउंट खत्म, इतना सा समझना है बस, कोई दिमाग नहीं लगाना बहुत ज्यादा। जेड केवल ये दो आइटम, केवल ये दो आइटम याद रखो। ये दो आइटम कौन से आइटम है? जो एक्स्ट्रा आते हैं, बाकी सब कहां से आया है? इधर से इधर और इधर से इधर, यार है ना? बैडमिंटन खेले हो तुम दोनों लोग कि नहीं खेलो? बैडमिंटन, सर बैडमिंटन में क्या होता है? सर्विस कैसे दी जाती है? लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट दी जाती है। सीधी सीधी सर्विस दोगे तो आउट हो जाता है, फाउल। ऐसे इसमें भी होता है बैडमिंटन, यहां का आइटम इधर आएगा और इधर का आइटम इधर आएगा, हाँ ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, आपको मैंने बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में सेम, ठीक है ना? अब ये कैपिटल, कैपिटल। अब ये वाला कैपिटल अपन ने अभी बनाया है। अब इस हाँ बैलेंस शीट आपके सिलेबस में, एग्जाम में नहीं आनी है, इसलिए अपन नहीं पढ़ेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है ना? एग्जाम में आनी ही नहीं है बैलेंस शीट, तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है? अब हम आपको पढ़ाते हैं कि कैपिटल से कैपिटल और करंट दोनों कैसे बनेगा, ठीक है ना? अच्छा अब देखो, जादू देखना। अभी ये कौन सा मेथड से हमने बनाया था? ये किस मेथड का, किस मेथड के टेबल है दोनों? ये है फिक्स्ड फ्लैक्चुएटिंग के, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग दोनों में कॉमन होता है, ठीक है ना? ऑफ ये है हाँ फ्लैक्चुएटिंग, ये अपन ने फ्लैक्चुएटिंग में ये दोनों बनेंगे। लेकिन जब हम फिक्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना? हाँ अब क्या चेंज होगा वो देखो, बता रहा हूं। फिर हम न्यूमेरिकल पे आएंगे, फिक्स मेथड में एक बनाना है तुमको कैपिटल अकाउंट और एक बनाना है तुमको करंट अकाउंट, ठीक है ना? यही बनाना है ना? हाँ ये बन गया और एक ये बन गया। अब दिमाग देखना है कितना कमाल लाएगा, क्या दिमाग लगाना है। सिर्फ ये है कैपिटल और ये हो गया तुम्हारा करंट, ठीक है ना? कैपिटल दोनों में सेम मैटर लिखा है ना? ठीक, अब हम इसमें से ठीक ये पूरे नाम गायब कर देंगे। ये बन गया तुम्हारा करंट अकाउंट, क्या समझ में आया? कुछ कुछ नहीं। नहीं, वेरी गुड। यानी जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, तो उसमें केवल हम हाँ जब फिक्स फिक्स मेथड में बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? और बाकी सारे आइटम कहाँ लिख दिए जाते हैं? करेंट करंट। जो जो आइटम तुम पहले कैपिटल में लिखती थी ना, ऊपर से ला ला के प्रॉफिट एंड लॉस से दाएं बाएं की थी, हाँ वो सब आइटम चला जाएगा करंट में। कैपिटल में केवल कैपिटल रहेगी और कुछ ना रहेगी। अच्छा बात समझ में आई? एग्जाम में ये वाला नहीं हाँ पूछा जाता, एग्जाम में ये वाला पूछा जाता। फ्लक्चुएटिंग मेथड का पूछा जाता हाँ, फिक्स मेथड का आज तक नहीं आया। है। अच्छा बात समझ में आई? लेकिन बनाने का हाँ तरीका बड़ा आसान है। अपन ने क्या किया, केवल ये पूरे आइटम में हमने कैपिटल को छोड़कर बाकी सारे आइटम उठा के कहाँ रख दिए? करंट।
कुछ नया नहीं किया, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आइटम दाएं लेफ्ट डीआर में था उसको सीआर में रख दिया, जो सीआर में था उसको डीआर में रख दिया। और बस एक चीज ध्यान देनी है, यहां पे जो ये बैलेंस था इधर, ये अब यहां पे कैपिटल का बैलेंस नहीं आएगा, किसका बैलेंस आएगा? करंट, करंट अगर होगा तो, क्वेश्चन में दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो वो भी नहीं आएगा। ठीक, हाँ अब एक चीज समझो, इसको फिक्स मेथड क्यों बोलते हैं। जैसे मान लो एक्स की कैपिटल थी 1,000, वाई की कैपिटल थी 2,000 और जेड की कैपिटल थी 3,000, ठीक है ना? तो इनका टोटल भी क्या आएगा? 6,000 ना ना ना, सबका अलग अलग टोटल। इसका टोटल 1,000 ही अलग। आएगा, इसका 2,000 आएगा, इसका 3,000 आएगा। अब बताओ यहां भी क्या आना चाहिए? क्यों? यहाँ भी आना चाहिए 10,000 अरे 10,000 तो उड़ा हजार दो ना बिटिया। ये अब इधर का टोटल है 1,000, तो यहां भी टोटल 1,000 होना चाहिए, हाँ यहाँ 2,000, यहाँ 3,000। अच्छा एक चीज बताओ, सिंपल सा बताना, प्रियांशी, प्रियांशी ही नाम है ना तेरा? हाँ दामिनी? प्रियांका हाँ प्रियांशी नाम है। हाँ, अब ये बताना बेटा, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स का मतलब होता है क्या? बनिया, ठीक है ना? काम बनिया के पास क्या होता है? तराजू होता है, तराजू हाँ में दो साइड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अच्छा अब हम उसमें कोई चीज तौलेंगे तो दोनों तरफ जब बराबर होगा तब लेंगे ना, हाँ ठीक है ना? तो हाँ यहां भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट और राइट का टोटल क्या होना चाहिए हमेशा? चाहिए हाँ, तो अगर इधर 1,000 है तो इधर भी कितना होना चाहिए? 1,000 होना चाहिए। इधर 2,000 है तो इधर भी 2,000, इधर 3,000 है तो इधर भी 3,000 होना चाहिए ना। हाँ अब यहां पे देखो, यहां पे कोई वैल्यू ही नहीं लिखी, तो टोटल बराबर हुआ क्या भाई? यहाँ यहाँ पे 1,000 कैसे आया है? जब ऊपर लिखा है तब आया है ना, हाँ इधर पे 1,000 कब आएगा? डेबिट क्रेडिट और डेबिट को माइनस करेंगे क्रेडिट डेबिट हाँ, माइनस तो इधर 1,000 है, इधर 0 है, तो 1,000 माइनस 0 हाँ 1,000, 2,000 माइनस 0 2,000, 2,000 3,000 माइनस 0 3,000। 3,000 अब इधर बताओ, जो इनकी कैपिटल है दो 1,000 थी ईयर के पहले दिन, और ईयर के लास्ट में भी कितनी है? 1,000। 1,000 जो बैलेंस सीडी होता है ना बेटा, ये कब निकाला जाता है? ईयर के एंड में, 31 मार्च को। 31 मार्च और जो बैलेंस सीट बैलेंस बीडी होता है वो कब निकाला जाता है? 1 अप्रैल को। तो पूरा 1 साल घूमने के बाद उसकी कैपिटल 1,000 रुपए से 1,000 रुपए ही है, चेंज नहीं हुई। इसका मतलब कैपिटल क्या है? फिक्स फिक्स है हाँ है ना? अब ऊपर वाले में क्या थे? उसने बिजनेस चालू किया था कितने से? 10,000 से कैपिटल। अब एंड ऑफ द ईयर हाँ उसकी कैपिटल कितनी बची? 4,000 कैपिटल गिर गई ना। हाँ फ्लैक्चुएटिंग का मतलब होता है कम ज्यादा होना, और फिक्स का मतलब क्या होता है? चेंज ना होना। तेज ना होना बात समझ में आ गई इतना सा? हाँ और फ्लैक्चुएटिंग मेथड, फिक्स मेथड में करंट अकाउंट में बाकी सारे आइटम उठा के रख देंगे और उसका भी वैसे ही बैलेंस निकालेंगे जैसा अभी अपन ने कैपिटल अकाउंट का निकाला है, कि डीआर का टोटल करो, सीआर का टोटल करो, दोनों को माइनस करो, जो गरीब है उसकी तरफ किस नाम से लिख दो? बैलेंस सीडी, ईडी है ना? अगर डीआर वाला गरीब है तो भी सीडी लिखेंगे, और सीआर वाला और गरीब है तो भी सीडी ही लिखेंगे, बीडी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? हाँ तो ये तो मैंने तुमको बता दिया प्रोफार्मा, ठीक है? अभी अपने पास जो हाँ है 4 मिनट है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं तुम्हें 5 मिनट बाद फिर से कनेक्ट करना, तो मैं तुम्हें 5-10 मिनट और पढ़ाऊंगा, क्योंकि 6:30 बजे से मेरा 7:30 बजे से दूसरा बैच चालू होगा, ठीक है ना? हाँ ठीक 2.86 खोलो पहले, मैं तुमको प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा हूँ पहले, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस समझो। चलो, टू पेज पॉइंट नंबर टू पॉइंट एट सिक्स
13 नंबर क्वेश्चन, फिर आगे वाले भी बताऊंगा, अभी टेंशन ना लेना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बनाने को, क्या बनाने को बोल रहा है, लास्ट देखो क्या करना है, ये सबसे आखिरी में लिखा होता है, ठीक है ना, सबसे आखिरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो लिखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा कॉपी कर लूं मैं, थोड़ा सा कम काम चोरी कर लेता हूं मैं, कौन दोबारा बनाएगा, कंप्यूटर में फड़ाने का यही फायदा है, ये लो ये प्रोफार्मा आ गया, ठीक, अब बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है इस प्रोफार्मे को, घर में मैं इसको आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना, इस प्रोफार्मे को आप घर में कम से कम 2-3 बार पहले रफ कॉपी में बना के देखना, सारे आइटम याद हो जाए, ठीक है, चलो अच्छा हाँ पढ़ो क्या लिखा है, विनोद एंड मोहन आर द पार्टनर, विनोद कैपिटल 1 लाख, मोहन कैपिटल 60,000 लिखा है, हाँ लिखा अभी मुझे बताओ यहां पे कहीं लिखा है कि कैपिटल, कैपिटल वर्ड लिखा है क्या अंदर, है, हाँ लिखा है ना विनोद, प्रोफार्मा में कहीं कैपिटल लिखा है प्रोफार्मा में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल नहीं, नहीं लिखा ना, अच्छा इसका मतलब हमको इसको यहां नहीं लिखना है, ठीक, चलो अगली लाइन पढ़ो, एक चीज बताऊं, मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन को चबा चबा के पढ़ना, एकदम हनुमान चालीसा हाँ जैसे ना पढ़ना, है हाँ ना, हाँ एक लाइन कॉमा फुल स्टॉप एंड में रुक जाना है, पहले उसको समझना है, उसको सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है, अच्छा सेकेंड लाइन पढ़ो, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज स्टेबल 6% पर एनम, फुल स्टॉप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज स्टेबल 6% पर एनम एनम, चलो किसको, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा ना, हाँ हाँ पहला पार्टनर कौन है, विनोद विनोद अब उसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना मिलेगा, अरे अभी अभी देखो लिखा तो था क्वेश्चन में, देखो 6% 1 लाख, लिखा है, 6%, हाँ 6% तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 / 100 कितना आएगा, जल्दी बोलो, देखो 1 मिनट में बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से, कैलकुलेटर नहीं उठाना है, हाँ अब देखो रुक जाओ सिखाते हैं, 6,000 देखो सीखो पहले, देखो6,000 जल्दी से कैसे निकालते हैं इस चीज को सीखो, जैसे क्या लिखा था, 1 लाख लिखा था, ध्यान से समझना, 1 लाख लिखा था ना, किसी भी चीज का अगर 10% निकालना है ना, किसी भी चीज, किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना हाँ है, तो लास्ट वाले नंबर के पहले डॉट लगा दो, क्या बोला मैंने, किसी भी चीज का 10% निकालें, लास्ट वाले नंबर के पहले डॉट लगा दो, तो इसके पहले डॉट लगाओगे तो कितना होगा, हाँ कि ना, 10,000 हाँ कि ना, एक सेकंड मैं है ना, जूम कर लूँ, 10,000 आए, ये जूम कर दूं मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, ये लो थोड़ा बड़ा हुआ, हाँ हाँ हो गया हो गया, अब मान लो मैंने लिखा ये, अब इसका 10% बताओ, कुछ नहीं करना है बेटा, देखो 5,686.5, ये हो गया इसका 10%, बात समझ में आई या नहीं आई, गई लास्ट नंबर के पहले क्या लगा देना है, पॉइंट, डॉट ठीक है ना, अगर 1% निकालना अच्छा हो तो मालूम है क्या करना है, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दे, अब इसमें 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाओगे तो क्या बनेगा, 5,686.55, ये इसका 1% है, हाँ कि ना, क्लियर है, मेनली क्वेश्चन हाँ हाँ मेनली क्वेश्चन में कौन से वाला परसेंटेज पूछता है, अरे वो
मान लो 6% करना है तुमको, इसका आप 6 करना है तो क्या करना होगा, 1% तो निकाल लिया ना, 1% का 6% कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 6, 6,000। हाँ अब मान लो 5% पूछेगा तो क्या करो, 10 निकालो, 10 का आधा, पांच और 5 का आधा, बात फाइव दिमाग में कुछ गया भेजे में। हाँ अब मान लो यहां लिखा हो 20,000, 20,000 का 10%, 20,000 का 10% 10,000 ए देवी क्या बताया था, एक डिजिट पहले पॉइंट लगाना है। जानते 20,000 के एक डिजिट पहले पॉइंट लगाओगी वो 10% हो जाएगा, तो कितना हुआ हजार उसका, 5% कैसे निकलेगा, 2,000 का आधा 1,000, 1,000 2.5% कैसे निकलेगा, 1,000 का आधा 5,000 500 सॉरी आप अगर इसका मैं बोल रहा हूँ 20,000 का 1%, तो 1% कैसे निकलेगा, दो डिजिट पहले पॉइंट लगाओ, हाँ तो मतलब हो जाएगा 200। गुड। अब ये जो टेबल मैंने भेज बनाई है ना, इसको कॉपी में हाँ बनाना और यहाँ पे अपने से नंबर लिखना और इन सब की प्रैक्टिस करना। मान लो 0.5% यानी 1% का आधा 1% का आधा 0.5 0.5 ना, तो अगर हाँ 1% 1,000 है तो 0.5 कितना होगा, 500 हाँ कि ना। अब वन कुछ परसेंट अगर दो, ज्यादा हाँ बेटा बोलो, लॉन्ग प्रोसेस लग रहा ये लॉन्ग प्रोसेस, इस ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं तुमको इसमें यूज करना है, अगर इसकी प्रैक्टिस करोगी ना तो तुम एग्जाम में परसेंटेज ऐसे चुटकी में निकालोगी। जैसे देखो अभी तो मैं निकाल के दिखाता हूँ, 1,00,000 रुपए का 6% निकालना है, ठीक है, दो डिजिट, दो आखिरी के दो डिजिट हटाओ, कितना हो गया 1,000, 1,000 तो जब 1,000 हो गया तो 6% को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया तो क्या हो गया, 6,000 निकल आया। अब दूसरा हाँ दूसरा कौन पार्टनर है, मोहन मोहन, साठ मोहन की कैपिटल कितनी हजार थी, 60,000 का 6%, दो डिजिट काटो लास्ट के, लास्ट के दो डिजिट काटो, 600 600 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36 36, निकल आया। लो तेरे हाँ अब इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 9,000, 600 ये बाहर हो गया, यस या नो, कुछ दिमाग में गया थोड़ा थोड़ा, है ना, प्रैक्टिस करोगी आएगा, टेंशन मत लो, बहुत अपन स्पीड में चलेंगे, लेकिन पहले अभी मैं बेसिक समझू तुम किस लेवल पे समझ पा रही हो। अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो, विनोद इज टू विनोद गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर, 3,000 पर मंथ, मंथ हाँ तो विनोद, विनोद भाई को सैलरी मिलेगी 3,000 रुपया महीना, तो 3,000 हुआ, हाँ एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 12, ये मल्टीप्लाई कितना हो गया, 36,000 36,000, ठीक है। हाँ अब अगली लाइन पढ़ो, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 80,000 तो नेट प्रॉफिट कहाँ लिखा है, नेट प्रॉफिट लिखा है क्रेडिट साइड में आई थिंक कितना, आई थिंक क्या सामने दिख रहा है, हाँ 80,000 लिख दिया, हाँ कि ना। एट्टी थाउजेंड लिख गया, हाँ अब आगे पढ़ो, और कुछ लिखा है, अरे नहीं अब कुछ नहीं लिखा अब कुछ नहीं लिखा तो हमारे काम का ये नहीं है, नहीं है हटा दो हमारे काम का ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा
ठीक, हमारे काम का आप क्या है? अरे डिस्ट्रीब्यूट वाला नहीं होगा? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस आया। अब सिंपल हाँ बताओ, दोनों तरफ का देखो, अब तराजू वाला हिसाब चलेगा, इधर का टोटल हाँ कितना बराबर आया? बराबर आना चाहिए। हाँ 80, इधर भी कितना आना चाहिए? 80,000। अब दोनों का टोटल करके माइनस करो, कितना आ रहा है? अरे मैं यार बताऊं, कितना आ रहा है? 36,000 माइनस 19,600 माइनस करेंगे ना? अच्छा हाँ, इन दोनों को पहले प्लस करो, फिर 80,000 से माइनस कर दो। पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे 80,000 से। मैंने क्या बताया था, दोनों तरफ का टोटल करना है फिर माइनस करना। एक तरफ का टोटल 80 आ गया, एक सी आर का टोटल कितना आया? 80। डी आर का टोटल कितना आया? फोर 4,500-600। ये कौन सी गणित है? 45,600 माइनस, अब माइनस करो इसको। अरे 9 में 5 है। करो करो हाँ करो करो, मेरे को एग्जाम थोड़ी देना है, तुम्हीं को करना पड़ेगा। हाँ इतने ही आ रहा है? नहीं रुक जाए, सारा तो सही है। हाँ 7-4, 7-4। दो तीन, एक दो तीन चार सही पांच आ रहा है, मैंने सही माइनस किया है। नहीं। उसी को करने दे, कितना होगा बोलो ना। ये है और सही किए हैं, हाँ ये मैंने सही ना किया है? 7 आएगा। अच्छा, वाह गजब है। 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? चार तो इसकी वैल्यू बनेगी 34,400। बेटा हम वो मास्टर नहीं कि सब कुछ सही सही पढ़ाएंगे, गलत सलत पढ़ाएंगे ताकि तुमको पता चले कि तुम कहीं सही लगा रही हो, गलत चल रही दिमाग में। चलो ध्यान दो, अब क्या करना है, इनको हमको किस में बांटना था? डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो लिखा है ना, लेकिन अब यहां पर रेशियो तो दिया नहीं है। तो जब रेशियो नहीं दिया होता है तो इक्वल बांट देते। क्या अब बोला इक्वल मैंने? कैसे अगर करेंगे? इक्वल कैसे करेंगे? 34,400 डिवाइडेड बाय कितने पार्टनर हैं? तो दो पार्टनर हैं। अच्छा इससे बना दो। जब दो लोग हैं तो दो इससे हो जाएंगे, तीन लोग होंगे तो तीन से हो जाएगा हाँ। लेकिन ये रूल कब लगेगा? जब रेशियो नहीं दिया रहा होगा। जब रेशियो नहीं दिया रहे। बात समझ में आई? हाँ गई। ये क्वेश्चन तुम्हारा, आंसर चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। गया आ गया आ गया आ गया। अब ये दोबारा लगाना, और ये क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक गया लगाओगी, नहीं बनेगा तो जितना बनेगा, जो जो आइटम समझ में आए वो तो रख तो सकती हो ना, हाँ। वो रखना, आंसर आए या ना आए उसकी फोटो खींच के मुझे भेजना। अच्छा फोटो भेजना हाँ, है? कब भेजना आज का कल कल जो क्लास शुरू होने से पहले तक है? अच्छा हाँ कल रात। है ना, अब ऐसा ना करना कि तुम 6 बजे भेजो, है ना, तुम चेक भी ना कर पाए, नहीं है ना। 6 बजे के पहले सेंड कर देंगे। हाँ, ताकि हम चेक करें, जहां तुमको प्रॉब्लम समझ में आएगी उसको। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन जंप कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको लगाना पड़ेगा, तब तुमसे बनेगा ना बेटा। सिर्फ क्या ध्यान अब तो रखना, अभी प्रोफार्मा अभी नेक्स्ट उठाना। क्वेश्चन। अरे अभी सुने तो, हाँ अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तो रेशियो है, तो रेशियो में फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब रुक जाओ, ये भी समझ लो। मान लो रेशियो होता 3:2, हाँ इसी वाले में होता 3:2, तो 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 होता है ना।
अब मैं नीचे यहीं पे हाँ सब यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, नहीं तो तुमको ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। नीचे समझाता हूँ, हाँ 34,400 हाँ है। अब इन दोनों का टोटल क्या आया, 3 और 2 5 इंटू है ना, 5 करेंगे, डिवाइड डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। बाय और दूसरे को क्या मिलेगा, तो अच्छा डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। हाँ बात समझ में आई? हाँ जैसे जैसे आप समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, अभी तुमको दिमाग में घुस जाएगा तुरंत। रुके तुम्हारे घर में एक केक है, हाँ ठीक है, दो तुम लोग दो लोग हो भाई बहन, हाँ तो अगर मम्मी ने कुछ नहीं बोला तो तुम लोगों ने केक को आधा आधा बांट लिया, ना ठीक। लेकिन मम्मी ने बोला कि 3 हिस्से भाई को दो, 2 हिस्से तुम खाओगी, तो कितने हिस्से करने पड़ेंगे, तीन सुनना ध्यान से, 3 हिस्से भाई खाएगा, 2 हिस्से तुम खाओगी, तो टोटल कितने हिस्से करने पड़ेंगे उस केक के। फाइव के करने पड़ेंगे हाँ, 5 टुकड़े करने पड़ेंगे, उसमें से 3 भाई ले लेगा, 2 तुम ले हाँ लोगी, तो पहले अच्छा। और डिवाइड करो। अगर हाँ बोलो बोलो। अरे हाँ था अभी तो पा रहे थी आवाज अब मान लो 3 पार्टनर हो तो, आई नहीं आई थी, बताओ फिर हाँ से। वही तो 3 पार्टनर होंगे तो अगर मान लो है 3 2 1, अरे वही मैं जो आप क्वेश्चन अरे नहीं जो आप बोल रहे थे ना कि 3 पार्टनर हैं हाँ तो हाँ तो मान वही लो वाला अगर देखो 3 पार्टनर है तो ये लिखा है ना, अगर तब बोल रही हो ना, हाँ क्योंकि तो भाई टोटल, और फिर अगर 3 पार्टनर्स हैं अच्छा हाँ तो 3 है ना, चलो तीन मतलब पार्ट ऐसे ही होगा मतलब अगर 3 पार्टनर्स अरे तीनों का। अरे मेरे डाउट है हाँ बोलना बेटा, बोल बोल बोल। 3 पार्टनर्स है तो तीनों का रेशियो भी होगा फिर अलग अलग है ना हाँ जैसे नीचे लिखा है देखो, 3 2 1, तो फिर इसका मतलब 3 पार्टनर्स भी होंगे हाँ हाँ ओके बस यही था डाउट तो तीनों का टोटल कर देंगे, 6 हो गया। हाँ 6 से डिवाइड करो, पहले वाले को 3 दे दो, दूसरे वाले को 2 दे दो, तीसरे वाले को 1 दे दो। एक दे बात समझ में आई देंगे कि नहीं? हाँ आ गई आ गई तो जितना बन जाए उतना करना है, जो ना बने उसमें जितना बने उतना करना है, ठीक है ना, हाँ जो ना चलेगा। बने उसको पूरा करना तो मैं डिसकनेक्ट कर रहा हूं, टेक केयर, और मैं रात रात तक मैं वीडियो डाल दूंगा, तो दोबारा रिवाइज करना हो तो सुबह कर लो। ठीक है ओके गुड नाइट, ओके बाय गुड नाइट, बाय गुड टेक नाइट। केयर।